चिराग और जैसे सर ने बोला कि बॉम्बे नासिक पर अब हम महाराष्ट्र और गुजरात में चला रहे हैं. सो वी हैव 85 लोकेशंस नाउ. सो डैड ने, मैं पहले डैड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा उनका जर्नी. जब डैड ने ज्वाइन किया था दैट टाइम हमारा कंपनी का कुछ 35 ब्रांचेस थे एंड वी वेर ओनली एंड ओनली इन टू ट्रांसपोर्ट. राइट नाउ वी हैव 6 कंपनीज. हम लोग ने मुलुंड में एक प्रोजेक्ट लिए, 26 माले का टावर बना रहे हैं. वी आर इन टू वेयर हाउसिंग एंड वी हैव 6 कंपनीज नाउ. तो ये जर्नी कैसा था कि जब डैड ने स्टार्ट किया तब 35 करोड़ के आसपास कंपनी था एंड नाउ वी आर 10 टाइम्स मोर. एंड प्लस मजे की बात ये कि वी आर मोर डेट फ्री कंपनी. हमारी कंपनी पर आप देखोगे तो हार्डली हमारा नेटवर्थ के सामने 78% भी लोन नहीं है. सो ये जर्नी, ऐसा बिलीफ है मेरा और मेरे पापा का भी कि यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है. आपको सबसे पहले यहाँ से डिसाइड करना होता है, देन आपको सर के पास सरेंडर करना पड़ता है. एंड दैट्स व्हाट माय फादर डिड एंड आई सॉ कि उनमें जो चेंज था वो सब ड्रास्टिक चेंज. फिर उन्होंने हमें टाइगर करवाया. फिर उसके बाद सर के, मेरी ऑफिस के काफ़ी सारे, हमारा जो टीम है वो सर के जितने भी अलग अलग जो होते हैं वन डे सेमिनार्स होते हैं, समुकानंद ऑलमो, हमारी पूरी टीम जाती थी. तो बेसिकली के हमें ये सब कुछ लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, हम जो करें जो परफेक्ट है. बट जब आप ये कोर्स करेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे, मैं जो कर रहा था वो जितना मुझे मालूम था उतना ही कर रहा था और की वजह, उसकी वजह से उतना ही ग्रोथ मिल रहा था. बट जब आप कोर्स करेंगे, आप डिटेल में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे सिर्फ मालूम है प्रेडिक्टेबल वर्क. अनप्रेडिक्टेबल हम कभी सोच ही नहीं पाए. हम जब सोच ही नहीं पाए तो कर ही नहीं पाएंगे. तो जब आपको ग्रोथ चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको वो सोच लेके आनी है. वो सोच आपको यहाँ से आएगी. जब आपको कोर्स चालू रहेगा तो आपको रियलाइज होगा. जैसे कि मैं जितनी बार भी हमारे कोर्सेज होते हैं, मैं बुक के बुक भर के लिख के चले जाता हूँ, बिकॉज इतना रियलाइज होता है कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, मुझे ये नहीं पता. अब तक लगता था कि मुझे सब कुछ पता है, अब यहाँ आपके पता चलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है. एंड इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस. इतना कुछ सीखने मिल रहा है. एंड इसके बाद हमने हमारे 4 पिलर्स बनाए हमारी कंपनी के, जो हमारे 4 प्रिंसिपल सिद्धांत, सत्य, श्रम, सेवा और सम्मान. तो उसके लिए हमने अलग अलग वर्च्यूज बनाए. हमारा जो कोर वैल्यू है, हमारा जो जो सुबह उठने का जो कारण है, वो है टू डिलीवर ट्रस्ट ऑन टाइम एवरी टाइम. तो वो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन में हो या ट्रांसपोर्ट में हो, हमें ट्रस्ट डिलीवर करना है. और फिर जैसे कि आपको बताया कि हमने डिसाइड किया कि प्रेडिक्टेबल काम से हम लोग निकल जाएंगे. पहले पापा ने फ्री कर दिया तो वी यूज टू फाइंड इट थोड़ा सा कि मतलब तो आप करोगे क्या, बिकॉज हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना आता था. तो डैड ने कुछ सालों पहले, 6-7 साल पहले वेयर हाउसिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. टुडे वी ओन 4 लाख ओन्ड वेयर हाउसिंग स्पेस. डिलीवरी भी हमारा कस्टमर है. भिवंडी में हमारे वेयर हाउस है, अहमदाबाद में, बड़ौदा में. तो डैड ने जब डिसाइड किया कि ये इंडस्ट्री से निकलना है, तो वी थॉट कि अब क्या करेंगे, मतलब आता तो कुछ भी नहीं है, जॉइंट फैमिली भी हमारा. पर बाद में मालूम पड़ा कि ही बिकेम अपॉर्चुनिटी. जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे लग जा रहे थे, बिकॉज ही इज फ्री. राइट नाउ ऑल्सो डैड का 2 महीने पहले उनका बाईपास हुआ है, उनका 4 ग्राफ्टिंग हुआ. एंड जैसे कि किसी ने कहा था कि आपको फेम पसंद है, सो वी हैव 7 नेशनल अवार्ड्स. मैं खुद नेशनल टीवी पे 40 टाइम्स आ चुका हूँ. देर आर 200 आर्टिकल्स ऑन अस. एंड IIM में हमारा केस स्टडी है, IIM जो कॉलेज है उसके अंदर. तो उसी तरीके से मतलब आज भी आप मेरे को बोलेंगे कि कहीं पे अपॉर्चुनिटी है, चलो 10 दिन के लिए. डैड ऑफिस पे 2 महीने से नहीं आ रहे, पर आई एम कम्प्लीटली फ्री. परसों में नितिन गडकरी जी के साथ था दिल्ली में, रोड सेफ्टी के पैनल में मैं था. तो आप अभी भी गूगल करेंगे तो चिराग कतीरा करके आपको पता चलेगा कि 2 दिन पहले ही मैं दिल्ली से आया हूँ, नितिन गडकरी जी के साथ वहाँ पे पैनल में था मैं. सो बेसिकली इस जर्नी के आपको आपका राइट्स एंजॉय करना है, तो आपको आपको फ्री करना पड़ेगा. और सबसे बड़ा चीज़ मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपको खुद को सरेंडर करना पड़ेगा और एक जीरो माइंडसेट लेके चलिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है और यहाँ से जितना हो सके सीख के जाइए. मैं तो 100% रिकमेंड करूँगा कि एक एक बंदे को यहाँ पे करना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन माय फादर ग्रोथ, माय ग्रोथ, आई एम स्टिल ग्रोइंग. बट आपको जो फ्रीडम मिलेगा, आपको लाइफ जीने का जो मजा आएगा, जैसे कि आपका जो डिस्टिंग फोर्टे है, मैं मेरा डिस्टिंग फोर्टे बहुत हैप्पीली जी रहा हूँ. ऑफिस में मैं मेरी मर्जी से काम करता हूँ, खुश होकर काम करता हूँ. मैं कोई ना, मेरे पास ऐसा कोई काम है जो मुझे करना नहीं हो, मैं करता ही नहीं हूँ, सब मैंने डेलीगेट किया. तो यहाँ पे एक डेलीगेशन जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा चीज़ है. जैसे कि डैड का जब बाईपास के लिए जा रहे थे, सो वेरी स्मूथली हमारा 4 साइट के 4 कंस्ट्रक्शन चालू है, बैंकिंग, फाइनेंस, सब कुछ चालू है. सब कुछ एक पेपर के अंदर एडजस्ट हो गया, बिकॉज हमको डेलीगेशन आता है. तो हमने इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी और इसके अकॉर्डिंगली पहले से ही हम लोगों को प्रोजेक्ट हाथ में लेके ट्रेन करते आ रहे हैं और राइट टीम बिल्ड करते आ रहे हैं. तो
आपको ये सबसे मेन चीज है डेलीगेशन, अगर जो आपने उसको मास्टरी कर दी तो आई थिंक आपका वर्कलोड, आपका जो प्रेडिक्टेबल काम है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली नई अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ के लिए काफी कुछ कर सकते हो, आप फोकस उसमें ला सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड कि जितने भी लोग यहाँ पे अगर जो नहीं कर रहे तो प्लीज डू इट, ऐसा मौका मतलब बहुत रेयरली मिलेगा नहीं आपको वापस, सो जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर इट। थैंक यू।